सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर 100 रुपए के कैशबैक के साथ आपको और भी अच्छे ऑफर मिल जाएंगे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं CMS इन्फो सिस्टम लिमिटेड कंपनी के IPO की लिस्टिंग के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करता हूं। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो जरूर करें, जहां पर न्यूज अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाती है। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, CMS इन्फो सिस्टम लिमिटेड कंपनी के IPO की लिस्टिंग आज मार्केट में हो चुकी है और इसकी लिस्टिंग ठीक ठाक होती भी नजर आई। आपको बता दें कि इस IPO का इशू प्राइस करीब 216 रुपए के आसपास रखा गया था, यानी 216 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट हुआ था और इसकी लिस्टिंग करीब 221 रुपए पर होती हुई नजर आई। यानी लिस्टिंग के दिन ही निवेशकों को थोड़ा बहुत मुनाफा यहां से जरूर हुआ। देखिए, ये 5 मिनट का चार्ट है, लिस्टिंग यहां पर हुई थी और लिस्टिंग के बाद लगातार इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और इसने हाई बनाया 260 रुपए के आसपास का। और देखिए, जो रिटेल निवेशक थे उन्होंने लगातार प्रॉफिट बुकिंग यहां पर स्टार्ट की और आप देख सकते हैं लगातार यह शेयर नीचे जाता हुआ नजर आया, लेकिन 230 रुपए के आसपास इसने सपोर्ट लिया और वहां से एक बार फिर से खरीदारी आती हुई नजर आई। अब देखिए, बात आती है कि शेयर में अभी के लिए क्या करना चाहिए, क्या इसमें बने रहें या फिर इसमें होल्ड करके चलना चाहिए। तो देखिए, जो शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं, जो 1-1.5 हफ्ते के लिए यहां पर पैसा लगाए बैठे हैं, उनको मैं एक ही सलाह दूंगा कि आपको बिना स्टॉप लॉस के साथ यहां पर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए मार्केट में जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण मार्केट कभी भी गिरता हुआ नजर आ सकता है। और देखिए, मार्केट गिरेगा तो उसका इफेक्ट आपको इसमें भी देखने को मिलेगा, तो आप एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, स्टॉप लॉस के साथ यहां पर बने रहें। मैं शॉर्ट टर्म निवेशकों की बात कर रहा हूं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, जिन्होंने 1-1.5 साल के लिए या उससे ज्यादा के लिए पैसा लगाया हुआ है, तो मैं उनसे यही बोलूंगा कि आप इसमें बने रहें, चिंता की कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। अब देखिए, जब ये IPO शुरू में आया था तब भी मैंने आपको बोला था कि शॉर्ट टर्म यानी लिस्टिंग गेन के लिए इसमें कम लिस्टिंग गेन मिल सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बने रहते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये जो शेयर है आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देता हुआ नज़र आ सकता है। तो अभी भी मैं बात पर कायम हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर काफ़ी बेहतरीन है, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा आपको यहाँ से मिल सकता है, क्योंकि जो CMS इन्फो सिस्टम लिमिटेड कंपनी है, देखिए इसके कामकाज की बात करें तो आपने देखा होगा जो ATM वगैरह होते हैं उनके कैश मैनेजमेंट का काम करती है, यानी कि जब आपने देखा होगा कि ATM में पैसा खत्म हो जाता है तो एक वैन आती है और उसमें पैसा भर के चली जाती है, तो वो काम ये कंपनी करती है। तो इनका काम काफी ज्यादा देखिए सिक्योरिटी वाला रहता है, काफी ज्यादा अच्छा काम ये करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस शेयर में भी अच्छा खासा उछाल इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में देखिए अच्छे अच्छे धुरंधर शेयर भी डाउन होते जा रहे हैं और उसमें भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही, तो शॉर्ट टर्म में आपको बिना स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं करना है, मैं आपको यही सलाह दूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रखना चाहते हैं निश्चित रूप से बने रहें, नीचे जाएगा और खरीदारी का मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से खरीदना चाहिए, लंबी अवधि के लिए यह अच्छा शेयर हो सकता है। शुरू में ही आपको बताया था कि कम लिस्टिंग गेन यहां पर मिलेगा, लेकिन निश्चित रूप से अगर मार्केट अच्छा होता, मार्केट जैसे प्रेशर में है वैसा नहीं होता, तो निश्चित रूप से यहां पर 20-30% का लिस्टिंग गेन आपको मिल जाता है। लेकिन खैर, यहां पर गेन भले ही कम मिला हो, लेकिन लिस्टिंग के बाद इसमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला और देखिए यहां पर यह जो शेयर है करीब 20% के आसपास यहां पर लिस्टिंग के बाद गया था, यानी कि 20% का मुनाफा निश्चित रूप से आप बुक कर सकते थे। खैर, आपने किया नहीं किया ये बात अलग है, लेकिन निश्चित रूप से यहां पर स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के निवेशक यहां पर बिल्कुल भी चिंता ना करें, नीचे जाने पर और खरीदारी का मौका मिलेगा। तो देखिए, मैं शॉर्ट टर्म में यहां पर स्टॉप लॉस के साथ काम करने की सलाह देता हूं और लॉन्ग टर्म में आप यहां पर बने रहें और नीचे जाने पर और ज्यादा इस शेयर में खरीदारी कर सकते हैं, तो ये मेरी सलाह है। लेकिन ये मेरी पर्सनल सलाह है, ये केवल और केवल एजुकेशनल बेसिस पर आपको दे रहा हूँ और जितना मैंने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से आपको दे रहा हूँ। अगर आप इसमें कुछ भी करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से आपको ज़रूर पूछना चाहिए, और अगर आप इसमें कुछ करें उसमें आपको प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।